तो नमस्कार दोस्तों, आज के मैं जो वीडियो में लेकर गया हूं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारा डेट सेट के ऊपर। डेट सेट यानी डेट फोन को हम लोग रिपेयर कैसे करेंगे। दोस्तों ये जब मैं वीडियो लेकर के आया हूं ये डेड मोबाइल फोन के ऊपर के, डेड मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे और डेड मोबाइल फोन के कम से कम 50 टॉपिक, 50 तरीके मैं आपको लेकर गया हूं कि डेड मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे, या मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है, या मोबाइल फोन को रिपेयर कैसे किया जाएगा। इससे संबंधित कम से कम मैं 50 वीडियो मैं आपको बगड़ा के देने वाला हूँ, जिसमें से 5-7 वीडियो तो मैं आपको ऑलरेडी पहले से दे चुका हूँ, जिसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने देखा हुआ है या उन्होंने वॉच किया है या उनको भी बहुत अच्छा पसंद आया है। ये वीडियो के माध्यम से काफी लोगों ने तो ऐसा फोन किया है कि सर इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये मोबाइल फोन ठीक किया और मुझे ऐसी प्रॉब्लम आती थी और मैं नहीं ठीक कर पाता था, अब मैं ठीक कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग भी इस वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ काम कर पा रहे हैं, तो अपना दोस्तों एक पॉजिटिव मैसेज दें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल से नहीं सब्सक्राइब है तो चैनल से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग इस तरीके से टेक्निकली कोर्स कराया जाता है। यहाँ पर आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग में पूरा कंप्लीट कोर्स, पूरा एंड्रॉयड मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन, कीपैड मोबाइल फोन, आईफोन, टैबलेट्स, जितने तरीके के, जितने कैटेगरी के मोबाइल फोन आते हैं, सभी कैटेगरी के मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का तरीका सिखाया जाता है। और बिल्कुल दोस्तों बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और हम लोग सीखते हैं कि डेड मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे, डेड मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या होता है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, डेड मोबाइल फोन के ऊपर आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि मोबाइल फोन के अंदर, पीसीबी के अंदर शॉर्टिंग, पीसीबी के अंदर अगर आप शॉर्टिंग हो जाएगी तो शॉर्टिंग को कैसे रिपेयर करेंगे, मोबाइल फोन में शॉर्टिंग को रिपेयर करने का तरीका क्या है, इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग हो जाएगी तो शॉर्टिंग को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में पूरा वीडियो को देखें, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें, आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और अच्छे से क्लियर होगा और मोबाइल फोन में आने वाली समस्याओं को आप ठीक कर पाएंगे, हमेशा इन फ्यूचर के लिए ठीक कर पाएंगे। तो हमारा दोस्तों क्या टॉपिक होने वाला है, शॉर्टिंग, यानी मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग होगी तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग होती है तो शॉर्टिंग को ठीक करने के लिए आपको ये देखना होता है कि मोबाइल फोन की मेन लाइन क्या है, आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग जो होती है वो कहां पर होती है, मेन लाइन में शॉर्टिंग होती है। मेन लाइन का मतलब होता है वी बैट लाइन या मोबाइल फोन की वीपीएच लाइन, इस लाइन में शॉर्टिंग हो जाती है, या मोबाइल फोन की वी बस लाइन। अगर इन लाइनों में अगर आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग हो जाती है, इसके लाइन में कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है तो आपका हैंडसेट दोस्तों डेड हो जाता है, डेड हो जाता है, जिसको हम लोग मेन लाइन की शॉर्टिंग बोलते हैं। और बैटरी कनेक्टर में जब आप चेक करेंगे तो अगर इनमें से कहीं भी शॉर्टिंग हो जाती है तो आपका बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से बीप आने लगती है। जब बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से बीप आने लगती है तो आपका मोबाइल फोन क्या हो जाता है, डेड, क्या हो जाता है भैया, बंद हो जाता है। तो उस बंद फोन को कैसे रिपेयर करेंगे उसका तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है, मेन लाइन होती क्या चीज है आप ये समझे, मेन लाइन क्या चीज है, मेन लाइन कहते किसे। जैसे आपके घर है, आपके घर में कह रहा है भाई मेन लाइन खराब हो गई है। अरे मेन लाइन कौन सा, तो जो खंभे से तार आपके मीटर तक आता है और मीटर से तार एमसीबी तक आता है, एमसीबी से तार जो घर तक घुस करके आता है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन लाइन, क्या बोलते हैं, मेन लाइन। ऐसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर मेन लाइन जो होता है, बैटरी कनेक्टर की जो पॉजिटिव सप्लाई चार्जिंग आईसी तक जाती है, या बैटरी कनेक्टर की जो पॉजिटिव सप्लाई मोबाइल फोन के अंदर और कई सारी आईसीओ तक जाती है, तो उस चीज को दोस्तों क्या बोलते हैं, मेन लाइन, क्या बोलते हैं, मेन लाइन। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, मोबाइल फोन में मेन लाइन के दो तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको दोनों तरीके के कॉन्सेप्ट आप समझाता हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो रिपेयरिंग यूं, शॉर्टिंग ठीक करना बिल्कुल यूं, चुटकियों का खेल है। चलिए चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेन लाइन की शॉर्टिंग को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, मेन लाइन होती क्या है। आपके मोबाइल फोन के अंदर
जो बैटरी कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर में दोस्तों दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट होता है प्लस, दूसरा पॉइंट होता है माइनस। माइनस पॉइंट क्या होता है? ग्राउंड होता है। प्लस पॉइंट की जो सप्लाई होती है वो आगे जाती है। ये प्लस पॉइंट की जो सप्लाई आगे जाने के बाद इसके लाइन में एक डायोड लगा होता है। ये मैं आपको कीपैड का बताता हूँ, फिर मैं आपको एंड्रॉयड का भी समझाऊंगा। उसके बाद ये कैपेसिटर लगा होता है, आगे आपका लगा होता है LVR R22। LVR से सप्लाई चली जाती है तुम्हारे मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी के अंदर। कहाँ चली जाती है दोस्तों? चार्जिंग आईसी के अंदर। चार्जिंग आईसी में क्या लगा होता है? डॉट लगा होता है। क्या लगा होता है? डॉट। डॉट का मतलब ये पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पिन की आईसी होती है। तो मोस्टली जो सप्लाई जाती है ये तुम्हारी पिन नंबर 6 पर जाती है। तो ये तुम्हारी चार्जिंग आईसी लगी, चार्जिंग आईसी सप्लाई चली जाती है। दूसरी बात क्या, ये वी बैट की सप्लाई दोस्तों चार्जिंग आईसी के साथ साथ ये मेन सप्लाई जो है ये आपकी सप्लाई जाती है पीएफओ आईसी के अंदर। पीएफओ आईसी के पास में कैपेसिटर लगा होता है। यही मेन लाइन की शॉर्टिंग, मेन लाइन की सप्लाई। मेन लाइन का मतलब क्या बोले तो वी बैट। उसके बाद फिर यही वी बैट की सप्लाई जो होती है बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं जहां पर सप्लाई जाती है। इन सारी सप्लाई से होते हुए ये सप्लाई आपकी जाती है मोबाइल फोन में लाइट आईसी के अंदर। ऐसे कॉइल लगी होती है। फिर यही सप्लाई आपके मोबाइल फोन के अंदर जाती है सीपीयू यानी पावर आईसी के अंदर। ये जो आपको जो मैंने आपको तरीका बताया है ये मोबाइल फोन में कीपैड मोबाइल फोन का एक सिंपल सर्किट मैं आपको समझा रहा हूं। यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, मोबाइल फोन में जब आप बैटरी कनेक्टर में चेक करते हैं और बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस में चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आती है, तो जब दोनों तरफ से बीप आती है तो आपके मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है। क्या है? शॉर्टिंग। आपके मदरबोर्ड में शॉर्टिंग होगा तो शॉर्टिंग को कैसे ठीक करेंगे? शॉर्टिंग को ठीक करने के लिए सबसे पहली बात आप प्लेट लें। प्लेट लेने के बाद आप उस बोर्ड के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, कैपेसिटर डायोड, क्या लगे होते हैं? कैपेसिटर डायोड, ये 90% पार्लर में लगे होते हैं। ये सारे कैपेसिटर डायोड को आप क्या करेंगे? चेक करेंगे। इस कैपेसिटर डायोड को ये चेक करेंगे, ये कैपेसिटर डायोड कोई शॉर्ट तो नहीं हो गया? अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो उसको मदरबोर्ड से क्या करेंगे? हटा दें, रिमूव करें। जो भी कैपेसिटर डायोड लगा होता है उसको मदरबोर्ड से क्या करें? हटा दें। कैपेसिटर डायोड हटा दिया, कैपेसिटर डायोड हटाने से आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग हट जाएगी। शॉर्टिंग हटने से आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो बोर्ड के अंदर जितने भी कैपेसिटर हैं, जो डायोड लगे होते हैं, सारे कैपेसिटर डायोड को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। जो शॉर्टिंग मिलती है उनको चेंज कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप मोबाइल फोन में सारे कैपेसिटर डायोड हटा दिए फिर भी प्रॉब्लम सेम है, तो आप सबसे पहला काम क्या करें? जो पीएफओ के पास में जो कैपेसिटर लगा है उसको उठाएं। वो शॉर्टिंग हो जाता है तो भी आपका मोबाइल फोन डेड हो जाता है। फिर भी दिक्कत आती है तो आप मोबाइल फोन के अंदर से LVR को रिमूव कर दें। क्या करें दोस्तों? LVR को रिमूव कर दें। LVR हटाने से चार्जिंग आईसी का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। फिर भी दिक्कत आती है तो कॉइल लगी होती है, कॉइल को रिमूव कर दें जिससे लाइट आईसी का कनेक्शन रिमूव हो जाएगा। उसके बावजूद भी मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम आती है, फिर भी दिक्कत आती है, तो आप मोबाइल फोन में पीएफओ आईसी को बोर्ड से उतार करके बाहर रख दें। आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी शॉर्टिंग नहीं ठीक होती तो फिर लास्ट में आप मोबाइल फोन में से सीपीयू पावर आईसी को निकाल करके बाहर करें और शॉर्टिंग हट जाती है, तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग होती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरे मदरबोर्ड को चेक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? मदरबोर्ड को चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कैसे चेक करेंगे? जैसे सबसे पहला काम, आपने बैटरी कनेक्टर में चेक किया, बैटरी कनेक्टर में नंबर 1 बैटरी कनेक्टर में चेक किया,
नंबर दो आपने डायोड चेक किया, नंबर तीन आपने कैपेसिटर चेक किया, सारे कैपेसिटर चेक कर दिए, नंबर चार आप एलवीआर को हटा दें, एलवीआर हटाने की प्रॉब्लम सेम है तो पीएफओ आईसी को बोर्ड से हटा दें, पीएफओ आईसी हटा दिया फिर भी प्रॉब्लम सेम है तो लाइट आईसी का कॉइल है इसको हटा दें, इसके बाद भी प्रॉब्लम सेम है तब आप सीपीयू आईसी को रिवोल्व करें या सीपीयू आईसी को चेंज करें, तब आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। चलिए मैं इसी चीज को मदरबोर्ड में आपको समझाता हूँ, बोर्ड में समझाता हूँ। देखिए चलिए चलते हम लोग अपने दोस्तों बोर्ड पे। मैं कीपैड फोन में समझाता हूँ फिर आपको एंड्रॉयड मोबाइल फोन में भी समझाता हूँ। सबसे पहली बार जैसे आपके पास ये मोबाइल फोन आया, आपने मोबाइल फोन को बैटरी कनेक्टर लिया, बैटरी कनेक्टर में दो पॉइंट होते हैं प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स होते हैं, इस दोनों पॉइंटों में हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे। इसमें चेक करने पर यदि दोनों तरफ से चेक करने पर बीप आती है तो बीप आने का मतलब होता है जो प्लस पॉइंट है वो कहीं माइनस से भिड़ गया है। अब कहाँ भिड़ गया है यही हमको देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैटरी कनेक्शन से धीरे 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 चारों तरफ फैलते हुए चले जाएंगे। सबसे पहली बार जैसे आपने चेक किया तो यहाँ ग्राउंड से चेक करेंगे तो ग्राउंड से चेक करने पर क्या आएगा, बीप आएगा। प्लस में चेक करेंगे तो प्लस में चेक करने पर वैल्यू आएगा। अगर वैल्यू आता है तो ट्रैक सही है, वैल्यू नहीं आता तो ट्रैक हमारा खराब है। क्या ट्रैक खराब है, यहाँ पर वैल्यू ना आने पर इसके लाइन में एक डायोड लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों, डायोड लगा होता है। डायोड को जो हम लोग ग्राउंड से चेक करेंगे तो ग्राउंड से चेक करने पर बीप आएगा, प्लस में चेक करने पर क्या आएगा, वैल्यू आएगा। अगर ये डायोड खराब हो जाता तो दोनों तरफ से बीप आने लगता तो शॉर्ट हो जाता। तो देखिए डायोड का ये माइनस है, ये प्लस यहाँ से जुड़ा हुआ है, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये मोबाइल फोन में माइनस प्लस आपस में भिड़ जाएगा तो बीप आने लगेगा। तो हम लोग इस डायोड को बोर्ड से क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे डायोड को हटा देंगे तो आपकी शॉर्टिंग क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो आप ये पहले डायोड चेक कर लीजिए। डायोड चेक करने के बाद फिर आप मदरबोर्ड में आते हैं। इस मदरबोर्ड में वही जो वी बैट की सप्लाई होती है, वही दोस्तों जो बैटरी कनेक्टर की जो सप्लाई होती है, यही प्लस सप्लाई इस कैपेसिटर से होते हुए आईसी के अंदर घुस जाती है। इन तीनों कैपेसिटर से होते हुए आईसी के अंदर घुस जाती है, ये तुम्हारी पीएफओ आईसी लगी है। फिर उसके बाद वही वी बैड की सप्लाई आपके यहाँ पर इस आईसी के अंदर घुस जाती है, सीपीयू के अंदर घुस जाती है, उसके बाद आपके मोबाइल फोन में कहीं नहीं जाती और चार्जिंग आईसी भी जाती है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये जितने भी सारे कैपेसिटर हैं इनको चेक करेंगे, अगर शॉर्ट हो जाता है तो इसको एक एक करके हटा देंगे, फिर भी दिक्कत सेम आती है तो इसको उतार करके बाहर रखेंगे ताकि हम इस शॉर्टिंग को चेक कर सकें। अगर सीपीयू में शॉर्टिंग होती है तो सीपीयू के पास में जितने भी सारे कैपेसिटर हैं सारे कैपेसिटर को चेक करेंगे, कॉइल को रिमूव करेंगे। मोस्टली आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग हो जाती है, हैंडसेट डेड हो जाता है, बीप आने लगती है तो ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं, जिस कारण से आपका हैंडसेट डेड हो जाता है। तो इस कैपेसिटर को हटा देंगे, कैपेसिटर हटाने से शॉर्टिंग हट जाती है तो आपका सीपीयू को लाइन ओके हो गया और आपका मोबाइल फोन फर्स्ट क्लास चालू हो जाएगा। उसके बावजूद भी दिक्कत आती है तो ये बैटरी कनेक्टर की जो प्लस लाइन होती है, ये बैटरी कनेक्टर की प्लस लाइन तुम्हारी दोस्तों यहाँ से होते हुए चार्जिंग आईसी से भी कनेक्ट होती है ऐसे। तो अगर तुम्हारी ये चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो जाएगी तब भी आपका मोबाइल फोन डेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लाइन रजिस्टेंस होकर जाती है तो रजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं जिससे चार्जिंग आईसी कनेक्शन खत्म हो जाता है। अगर रजिस्टेंस हटाने से शॉर्टिंग हट जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम समझ जाते हैं कि हमारी चार्जिंग आईसी खराब है। चार्जिंग आईसी खराब हो जाती है तो चार्जिंग आईसी को उतार के बाहर फेंक देंगे और आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग की समस्या ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये डायोड लगा होता है, इसको चेक करते हैं, कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो हम मोबाइल फोन के अंदर जहां जहां पर हमारी बैटरी कनेक्टर की जो पॉजिटिव सप्लाई है, जहां जहां पर बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव सप्लाई दोस्तों जाती है, ये पॉजिटिव सप्लाई जहां जहां पर जाएगी उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। और इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं मेन लाइन। क्या बोलते हैं, मेन लाइन। अगर हमारे मोबाइल फोन के अंदर मेन लाइन के अंदर शॉर्टिंग होगी तो हम इसी चीज को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि हमारे पास जो मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर यदि आपके मोबाइल फोन के अंदर मेन लाइन की शॉर्टिंग होती है तो मेन लाइन की शॉर्टिंग को आप लोग दोस्तों कैसे स्टेप बाय स्टेप आप चेक करेंगे और कैसे आप उसको रिपेयर करेंगे। तो आज की दोस्तों वीडियो में मैंने आपको कीपैड मोबाइल फोन के बारे में बताया है। अब मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा कि स्मार्ट मोबाइल फोन के अंदर मेन लाइन के अंदर शॉर्टिंग होगी तो उसे हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, उसका तरीका हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो पे। और जो भी टॉपिक मैंने आज आपको समझाया है वो दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत कोई समस्या आती है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।
और इसी तरीके से अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फोन के मास्टर बनना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के पूरा कंप्लीट मोबाइल फोन बनाने का तरीका सीख सकते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर पूरा कंप्लीट कोर्स सिखाते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर कोई ज्यादा दूर नहीं है सर, ये अपना कानपुर सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है जस्ट उसके पास में है, और यहाँ पर पूरी मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है सागर मार्केट, जहाँ पर दुनिया जान के सारे मोबाइल फोन बनने के लिए आते हैं, और वो मोबाइल फोन यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं वो भी मोबाइल फोन बनाते हैं, जिससे उनका हाथ साफ हो जाता है, हैंड स्किल परफेक्ट हो जाता है और अच्छी तरीके से सीख करके जाते हैं, और यहाँ पर सीखने के साथ साथ अपना अच्छी तरीके से काम करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज हमारा एक स्टूडेंट है महेंद्र कुमार, जो फिलहाल सफीपुर उन्नाव से रहने वाले हैं, उन्होंने आज अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप ओपन करी है। पूरा मार्केट में उन्होंने 3 महीने यहाँ पर मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखा, डेली उन्होंने अप डाउन किया। सफीपुर उन्नाव बांगरमऊ साइड पड़ता है, वहाँ से रहने वाले हैं, और यहाँ पर सागर मार्केट से उन्होंने पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का सामान लिया। टोटल सामान सारा सामान समथिंग 40-42 हज़ार रुपये का उनका सामान पड़ा है, और उन्होंने अभी जब नवरात्र आने वाले हैं तब उनकी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप ओपन होने वाली है। मेरी तरफ से उनकी बहुत सारी विशेष, और वो बहुत अच्छा सीख के गए हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे, सारे टूल सारी चीज़ें सब चीज़ें उन्होंने अरेंज करी हैं। और सीखने के बाद हमारा यही मिशन है, हमारा यही मकसद है कि हमारा हर एक स्टूडेंट सीखने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपने लिए 2 पैसे कमाना शुरू कर दे, आगे बढ़े, तरक्की हो, और इसलिए हम अपने हर एक स्टूडेंट को पूरा अच्छी तरीके से ए से लेकर जेड तक कंप्लीट सिखा के भेजते हैं। दोस्तों मैं इस लाइन में पिछले 18-19 साल से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सिखा रहा हूँ, और इतने सारे स्टूडेंट लोग हैं जो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीख गए हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं, कैसे अपना बिजनेस कर रहे हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग सीख के जाते हैं, जो अपनी दुकान खोलते हैं, अपना सर्विस सेंटर ओपन करते हैं, तो सर मैं उनकी दुकान में जाता हूँ, उनको समझाता हूँ कि कैसे आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम करना है, किस तरीके से आप काम करेंगे, क्या आपके अंदर कमियाँ हैं, उन कमियों को कैसे दूर करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप काम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों मुझे जो इतना सारा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस हमारे बच्चों को मिले और सीख करके आगे बढ़ें, आगे तरक्की करें, अच्छी तरीके से काम करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को ना लंबा करते हुए वीडियो को देखें, अच्छे सीखें, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।